2019 का एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा. एक फिनॉल रिंग है, उसके मेटा पोजिशन से चार कार्बनों की एक चेन है जिसके आउटर मोस्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है. उन्होंने कहा कि पहले इसको HCl से ट्रीट कराया, बाद में एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट कराया, तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से मेजर होगा. ठीक है ना, यहाँ क्लोरोबेंजीन पर रिंग क्लोज कराई है, एक बार फिनॉल पर ही रिंग क्लोज करवाई है, एक बार क्लोरोबेंजीन पर रिंग क्लोज करवाई है इधर की ओर ऑर्थो साइड में, एक बार फिनॉल पर ऑर्थो साइड में क्लोज करवाई है. देखते हैं, देखो क्या होगा. अगर मान लीजिए आपने फिनॉल के साइड चेन पे 1, 2, 3, 4 इस पर अगर आपने HCl से रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले आएगा H+. और मॉर्कोनिकॉफ का रूल है कि इलेक्ट्रोफाइल कम्स ऑन ए डबल बॉन्ड इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन गिव राइज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. अगर H बाहर वाले कार्बन पर आता है तो कार्बोकैटायन यहाँ पर क्रिएट होगा, अगर H+ अंदर वाले कार्बन पे आता है तो कार्बोकैटायन बाहर क्रिएट होगा. तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा जो सेकेंडरी होगा. ठीक है ना, तो इट विल एक्चुअली फॉर्म अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. यहाँ पर OH है राइट, और 1, 2, 3, 4 के साथ यहां एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा. अब इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, पहले तो यहां Cl लग जाएगा, HCl से यहां पे Cl लग जाएगा राइट. जब यहां पे Cl लग गया 1, 2, 3, 4 और यहां पे एक Cl लग गया, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 इस Cl- को निकाल लेगा और इस Cl- को निकाल कर ये एंश्योर करेगा कि फिर से कार्बोकैटायन बन जाए. ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और यहां एक कार्बोकैटायन वापस बन जाएगा. जब तक हमारे पास HCl था तब तक ये कार्बोकैटायन तुरंत Cl- से अटैक करके SN1 के तरीके से यहां पे क्लोरो लगवा देगा, लेकिन ये क्लोरो यहां पर स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि AlCl3 Cl- को निकाल लेगा. AlCl3 इज बेसिकली अ लुइस एसिड, इट विल टेक अवे द Cl-, तो इट बिकम्स अ कार्बोकैटायन अगेन. अब इस कार्बोकैटायन क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो रिंग इस पर अटैक करेगा, जब रिंग अटैक करेगा तो रिंग क्लोजर होगा, एक नई रिंग और बनने वाली है. रिंग क्लोजर हमेशा 1, 2 पोजीशंस पर होता है. अगर इस पोजीशन को 1 बोल दें तो उसके रिस्पेक्ट में 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, यानी रिंग क्लोजर ऐसे भी हो सकता है और रिंग क्लोजर ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ होगा. अब मेजर माइनर का फैसला हम कर सकते हैं. मेजर माइनर का फैसला कैसे करेंगे, इस OH से करेंगे. OH का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, +m > -i. बिकॉज ऑफ -i ऑर्थो पोजीशन ऑफ OH इज लिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, +m इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू +m विल इंक्रीज इक्वली एट ऑर्थो एंड पैरा टू दिस OH. बट -m इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट विल बी मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो बट लेस इफेक्टिव एट पैरा, सो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यही रीजन है कि ये रिंग पैरा पर अटैक करवा के रिंग क्लोजर करवाएगा. ठीक है ना, तो जब पैरा पर अटैक होकर रिंग क्लोजर होगा तो आप देखें, पैरा पर अटैक करके रिंग क्लोजर होना है तो OH के पैरा पर हमने एक H शो कर दिया. सभी जगहों पर H है, जहां जहां सब्टिट्यूट नहीं वहां वहां H है, लेकिन उस H को हम हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं जो सब्टिट्यूट होने वाला है. तो ये OH तो जैसा था वैसा ही है, ये ऐसे ही है, 1, 2, 3 और ये 4 इधर चला गया, यहां रिंग क्लोज हो गई, यहां H है +4 यहां बन गया. ठीक है ना, बात समझ में आई. अब ये +4 एरोमेटिक सिस्टम आपको पता है कि एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज्यादा देर नहीं रह सकता, तो ये H+ को लूज करके तुरंत ही एरोमेटिसिटी को रिटेन कर लेगा ऐसे. दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस. ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, इस हिसाब से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर B या ऑप्शन D. ठीक है, नोट करें इसको.